क्राइम ब्रांच के यूनिट एक को जानकारी मिली थी कि एक तड़ीपार प्रताप नगर इलाके में घूम रहा है। खबर मिलते ही पुलिस ने परिसर में जाल बिछा कर उसे गिरफ्तार किया। जांच करने पर पता चला कि तड़ीपार रहते हुए भी उसने सिटी में सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़ा गया आरोपी सुभाष नगर निवासी सम्मत उर्फ पोंगा संतोष दाभ ने बताया गया। पोंगा लंबे समय से सेंधमारी की वारदातों में सक्रिय है। पहले वह निर्माणाधीन इमारतों में महंगे नल चोरी करता था, इसके बाद भी कई वारदातों को अंजाम दिया। उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज है, इसलिए डीसीपी जोन एक ने उसे तड़ीपार कर दिया था। बुधवार को पुलिस को जानकारी मिली कि पोंगा प्रताप नगर थाना अंतर्गत आईटी पार्क परिसर में घूम रहा है। तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उसके पास चाकू भी बरामद हुआ। अधिक पूछताछ करने पर पोंगा ने बताया कि विगत 13 अगस्त को उसने MIDC के कावले लेआउट में रहने वाले सूरज वर्मा के घर पर सेंध लगाई थी। पुलिस ने 40,000 रुपये नकद और वाहन सहित 1,20,000 रुपये का माल जब्त कर उसे MIDC पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर सुहास चौधरी, हेड कांस्टेबल नूतन सिंह छाड़ी, विनोद देशमुख, सुचित गुजर, नितिन वासनिक, अजय शुक्ला, सोनू भवरे, शिवशंकर रोठे, शरद चांभारे और योगेश सातपुते ने कार्रवाई की। अधिकारी मंडल को एक जानकारी मिली कि आईटी पार्क पे एक आरोपी सम्मेत उर्फ पोंगा दाब ने यह आरती नगर पुलिस से तड़ीपार किया हुआ है। नागपुर, नागपुर सिटी और नागपुर जिले से यह घातक शस्त्र के साथ वहाँ पर आने वाला है। ऐसे मालूम मिलने के बाद हमारी टीम ने वहाँ पर पहुंची और ट्रैप लगाया, तो वहाँ पर हमको आदमी मिल के आया, तो हमने उस आदमी में लिए। उसके बाद हमको एक लोकल छुरा मिल के आया, उसको हमने यूनिट लगाकर पूछताछ किए तो उसने कबूल किया कि उसने 17 तारीख को पुलिस ने MIDC अंतर्गत एक घरफोड़ी किया था। उस घरफोड़ी के अंतर्गत उसने लगभग 80,000 कैश चुराई थी, उसमें से 40,000 उसने खर्च कर दिया, 40,000 उसने घर में छुपा के रखा है। उसके उस जानकारी के उपरांत हमने जाकर उसके घर हाउस सर्च लिए, वहाँ पर हमको 40,000 रुपये कैश मिल कर आए। आगे की पूरी कार्रवाई के लिए हमने उसको पुलिस ने आरोपी नगर के हवा ताबे में दे दिया है। जी बराबर, इसमें यूनिट 1 के पूरे अधिकारी API महामुनि, API गुप्ता और पूरा हमारा स्टाफ था। और जो पकड़ा गया आरोपी और तड़ीपार है, उसके खिलाफ इसके पहले भी काफ़ी सारे घरफोड़ के गुनाह दाखिल हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट।